सो वेलकम बैक टू लुनाटिक टॉक्स। एंड काफ़ी टाइम से कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, बट अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हुआ एक प्रोजेक्ट से, एक वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स पड़े हुए थे, एंड उसमें से जो एक कॉमन क्वेश्चन था उस पर बात करते हैं। जो सभी लोगों का क्वेश्चन था कि अभी जो VFX एनिमेशन इंडस्ट्री की सिचुएशन चल रही है, कब तक ठीक होगी भाई, मतलब कब चीज़ें बैक टू ट्रैक होगी। तो देखो, इसका मैं आंसर पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, एंड एक बार थोड़ा सा अलग तरीके से इस वीडियो में रिपीट कर देता हूँ। देखो, मार्केट में इस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, काम उतना नहीं है, ठीक है। कब तक चीज़ें ठीक होगी ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई प्रिडिक्ट कर रहा है या कोई बोल रहा है कि भाई अभी 1.5 महीने 2 महीने में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो झूठ है या फेक रूमर्स है। इसके पहले भी कई सारे फेक रूमर्स आ चुके थे कि जनवरी में ठीक होगी, फिर देन फेब में प्रॉपर होगा, मार्च में होगा, अप्रैल हो गया, तो सिचुएशन बेटर नहीं हुई है, ठीक है। बट हाँ, इसका एक थोड़ा सा मेरे पास एक टेक्निकल आंसर ये है कि अगर आप सैग आफ्टर स्ट्राइक की न्यूज़ को फॉलो करते हो, सो ऑब्वियसली रिसेंटली उन्होंने एक कोई हॉलीवुड के साथ डील क्लोज की है उनकी जॉब से सेफ्टी के रिगार्डिंग, एंड फ्यू अपकमिंग ईयर्स में वो किस तरीके से काम क्या होगा, कितना AI होगा, कितना AI से नहीं होगा, ये सब चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने एक डील क्लोज की है। अब एग्जैक्टली वो डील क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं अभी ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हूँ, मैं फॉलो नहीं करता इन लोगों को, बट ऐसी कोई न्यूज़ ऐसी कोई डील क्लोज हुई है। आप चाहो तो आई थिंक गूगल पे सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस बारे में। सो मे बी चांसेस ये हैं, इट्स ऑल अबाउट चांसेस, कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में हॉलीवुड में फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। जो प्रोडक्शन या फिर जो काम किसी कारणवश स्ट्राइक की वजह से जो रुका हुआ था, वो नेक्स्ट आने वाले 1-1.5 महीने में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगेन कन्फर्म नहीं है, बट चांसेस है, हो सकता है, मैं श्योर नहीं उस बारे में। सेकंड ये है कि अगर वहाँ पर काम ठीक होता है, वहाँ पर फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो देन इंडिया में चीज़ें रिफ्लेक्ट किस तरीके से होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी है, ठीक है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है कि देखो, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर वहाँ पर फुल फ्लेज प्रोडक्शन लेट सपोज अपने नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी स्टार्ट होता है, ठीक है, सो इंडिया में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करने में, ठीक है, या फिर यहाँ तक आने में, इसको सेट होने में ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बात है कि एक टाइम जाएगा। आप ये मान के चलो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, या फिर ये ईयर एंड तक सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है, बैक टू ट्रैक आ सकती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल सिनारियो है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई अभी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये करो वो करो, सो काम करते रहो। काम मतलब ऑब्वियसली अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, पोर्टफोलियो बनाओ, सीखो। और मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ इसी एनिमेशन में VFX फील्ड पे डिपेंडेंट मत रहो। अभी तो सबको समझ में आ गया होगा कि भाई एक साइड बिजनेस या फिर एक साइड इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। बट यही है, जो भी सैग आफ्टर स्ट्राइक की न्यूज़ है वो गूगल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एंड लेट्स सी ये ईयर एंड तक सिचुएशन कितनी बैक टू ट्रैक होती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।